नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। तेजस्वी यादव से जब बीजेपी और नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बातें गंभीर नहीं हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं। बीजेपी को हर चीज़ पर ऐतराज होगा। इतनी बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है, आपसी तालमेल इतना बढ़िया है, विकास के कार्य हो रहे हैं, लगातार उससे लोगों को तकलीफ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल वे जापान निकलेंगे जहां बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं। गया मोक्ष की धरती है, लोगों का यहां से काफ़ी जुड़ाव है। ऐसे में लोगों का फीडबैक लेंगे कि वो क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से काम करेंगे। वहीं 5 राज्यों में चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं, बीजेपी की हार तय है। ये चर्चा का बहस ही नहीं है और इस जो चीज़ जो बातें गंभीर नहीं है उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कह रहा है वो अभी से ये सब चल रहा है, क्या बात है, कब से कितनी बार चल रहा है और बार बार बताने पर भी जो है इस बात पे चर्चा हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं। कोई आपको नीतीश कुमार ने कहा कि आप काफी अपने हैं, घर के हैं, सब कुछ है, तो इस पर भी ऐतराज है कि भाई कह रहे हैं कि अपने हैं ये। नहीं, लोगों को तो हर चीज पे ऐतराज होगा, उसमें कहाँ दो राय है। असल में इतनी बढ़िया ढंग से सरकार चल रही है और आपसी तालमेल इतना बढ़िया है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं लगातार, लाखों की तादाद में नौकरियां निकाली जा रही हैं, बिहार जो है जीडीपी में अव्वल राज्यों में है, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नंबर वन पर है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो बिहार जो है 22वें-23वें स्थान पे आता है एनसीआरबी के आंकड़ों पर। तो लोगों को मरोड़ तोड़ जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था वो सारे पूरे कर रहे हैं हम लोग, तो उससे लोगों को तकलीफ है। जापान जा रहे हैं सर, आप सब लोग को पता ही है, कल निकलेंगे जापान के लिए, तो वहाँ जो पहले से ही हम लोगों का कार्यक्रम है, बिहार के लोगों को जो है मौका मिला है वहाँ, तो हम लोग जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहाँ जितने टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिज्म से रिलेटेड जगह हैं या लोग जो जुड़े हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बिहार जो है ज्ञान मोक्ष की धरती रही है, बुद्ध की धरती है, तो लोगों का वहाँ काफ़ी जुड़ाव है यहाँ से, तो इसको हम लोग जो है और बेहतर लोगों को फीडबैक भी जानेंगे और क्या वो चाहते हैं उसी हिसाब से जो है काम किया जाए। पांच राज्यों में क्या लगता है? वो आप सब लोगों को पता है क्या होना है, लोग घबराए हुए लोग हैं, बीजेपी की हार निश्चित है 5 राज्यों में। चलिए ठीक है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।